दुनिया में अब हर देश कुछ नई नई तरकीब आजमा रही है पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 वियर्डेस्ट बिल्डिंग जो कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस है उनके डिज़ाइन की वजह से। नंबर 1 पर आती है सेल्फ ब्रिजिस बिल्डिंग नाम की एक बिल्डिंग जो कि इंग्लैंड के एक सिटी बर्मिंगम में सिचुएटेड है। ये बिल्डिंग का काम लगभग 2003 में ही ख़त्म हो चुका था और इसको बनाने में लगभग $60 मिलियन का खर्चा हुआ था जो कि तकरीबन 45 करोड़ रुपीस होते हैं। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर वर्क फ्यूचर सिस्टम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी को दिया गया था और ये हमारे नंबर 1 पोजीशन पर आती है। नंबर 2 पर आता है डांसिंग हाउस। ये चेक रिपब्लिक के एक सिटी प्राग में सिचुएटेड है। इस बिल्डिंग का शेप एक पानी की लहर के जैसा है। डांसिंग हाउस को व्लाडो मिल्यूनिक ने कैनेडियन आर्किटेक्ट फ्रैंक गेरी के साथ मिलकर डिज़ाइन किया था साल 1992 में और फिर इसका कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ था और तकरीबन ख़त्म हुआ था 1996 के साल में। इस बिल्डिंग में 9 फ्लोर्स है और साथ ही में अंडरग्राउंड भी 2 फ्लोर्स बनाए गए हैं लोगों की सुविधा के लिए और ये है हमारी नंबर 2 पर पोजीशन पर। नंबर 3 पर है क्यूब हाउस। ये नेदरलैंड के एक सिटी जिसका नाम रोटरडम है वहाँ पे सिचुएटेड है। इसका डिज़ाइन पायट ब्लोम ने दिया था। इस बिल्डिंग में आप बहुत सारे क्यूब्स देख सकते हैं जो लोगों को इसकी ओर आकर्षित करते हैं। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। इस बिल्डिंग के क्यूब्स 45 डिग्री पर मुड़े हुए हैं। इन्होंने ऐसा डिज़ाइन इसलिए बनाया था क्योंकि इनका मानना था कि इससे वो जगह का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नंबर 4 पर है द दुबई फ्रेम जो कि दुबई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सिचुएटेड है। द दुबई फ्रेम दुनिया की सबसे लंबी पिक्चर फ्रेम है और ये इसके लिए बहुत मशहूर है। कई फिल्मों में भी इसके नज़ारे दिखाए गए हैं। इसकी हाइट 150 मीटर्स है ज़मीन से और ये 105 मीटर्स के स्ट्रक्चर्स पर फैला हुआ है। ये बिल्डिंग का डिज़ाइन फर्नांडो डोनिस ने दिया था। नंबर 5 पर है इंडिया की एक सिटी हैदराबाद की नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की बिल्डिंग। ये फिश यानी कि मछली के आकार में बनाई गई है और इसकी साइज भी बहुत ही ज़्यादा है। ये बिल्डिंग 2012 में बनाई गई थी और इस बिल्डिंग को मछली के आकार में इसलिए दिया गया था क्योंकि ये एक फिशरीज डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है जिसमें मछली से रिलेटेड काम होता है। ये बिल्डिंग 1920 स्क्वायर मीटर के स्ट्रक्चर पर बनाई गई है। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन फ्रैंक गेरी नाम के एक आर्किटेक्ट ने दिया था और उन्होंने ये डिज़ाइन साल 1992 में ही दे दिया था। तो ये थी टॉप 5 वियर्डेस्ट बिल्डिंग्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं आपके लिए अगला वीडियो कौन सा लाऊं। तब तक के लिए गुड बाय।